आईपीएल की रीशेड्यूलिंग को लेकर अब तक बातें चलती आ रही थी कि ये यूएई में होगा, बट अब इसकी पुष्टि कर दी गई है बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला के द्वारा। पर अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आईपीएल जोरों शोरों से चालू हुआ था, हम सब काफी एंटरटेन हो रहे थे, आरसीबी सीएसके दिल्ली बहुत अच्छा कर रहे थे, आरआर और एसआरएच थोड़ा पिछड़े हुए थे, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने आईपीएल को रोक दिया। कोविड केसेस बायो बबल में आने लगे। सबसे पहला कोविड केस वरुण चक्रवर्ती का था, जिसके बाद कुछ फॉरेन प्लेयर्स के भी कोविड केसेस आए। हालांकि बीसीसीआई ने ये कहा है कि ये आईपीएल 2021 यूएई में इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि उस समय मॉनसून रहता है इंडिया में, पर उन्होंने कहीं पे भी कोविड केसेस का जिक्र नहीं किया है, ना ही इंडिया में आईपीएल को खेलने को लेकर फॉरेन प्लेयर्स की रिलक्टेंस के बारे में जिक्र किया है। बीसीसीआई का ये यूएई में आईपीएल को कराने का फैसला समझ में तो आता है क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, पर उसके सारे रीजंस खुल के बताए नहीं गए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीसीसीआई किसी भी तरह इंडिया में ही टी20 वर्ल्ड कप को कराना चाहती है।